हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे पनीर दो प्याजा कैसे बनाया जाता है रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल वही टेस्ट वही कलर आएगा। इसके लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, दो प्याज है, एक प्याज को बारीक काटेंगे और एक के स्लाइस करेंगे बड़े बड़े, थोड़ी सी कसूरी मेथी, दही, टमाटर की प्यूरी दो टमाटर से बना ली है, तेल, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच। अब हमने पनीर के बड़े बड़े स्लाइस काटने हैं, इस तरह से मोटे मोटे स्लाइस काटेंगे पनीर के। ये बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा पनीर दो प्याजा, बहुत ही टेस्टी, आप जरूर ट्राई करें। इस तरह से बड़े बड़े पीस बनाने हैं इसके, सारे पीसीस को काट लेना है। पनीर आपका फ्रेश होना चाहिए, पनीर खट्टा ना हो। इस तरह से सारे पीस हमने बड़े बड़े काट लेने हैं। अब इसको एक बड़े बाउल में डाल लेंगे और इन पीसेस को हमने मैरिनेट करना है। इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, दही डालेंगे एक चम्मच, दही भी खट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी, एक चम्मच डालेंगे तेल और कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इसको मैरिनेट करके हमने 10 मिनट के लिए रख देना है, जिससे कि इसके मसाले अच्छे से पनीर में रच जाएं हमारे। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया, सारे मसाले पनीर में लिपट गए हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे, जब तक इसको थोड़ी देर 10 मिनट हमने रखना है, तब तक हम प्याज काट लेंगे। एक प्याज को हमने मोटा मोटा काटना है, इस तरह से इसके बीच से कट के इस तरह से। अब इसके हमने ये स्लाइस जो है अलग अलग करने हैं, एक एक स्लाइस को अलग अलग कर लें इस तरह से, और एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है हमने। पनीर को रखे हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने तेल डाला है, तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो ये वाला प्याज हमने हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसको, हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा हो चुका है, बस इसी तरह का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको, एक या दो मिनट इसी तरह से तेल निचोड़ के सारा प्याज निकाल लें। इसी तेल में हमने ये पनीर को फ्राई करना, सारा पनीर एक साथ डाल देंगे और इसको भी हल्का हमने फ्राई करना है, ज़्यादा इसको भी फ्राई नहीं करेंगे कि बहुत सख्त हो जाए, हल्का सा एक या दो मिनट तक फ्राई करेंगे। पनीर हो चुका है, इसको हमने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब इसको भी हमने इस तरह से तेल निचोड़ के निकाल लेना है, सारे पनीर को निकाल लें। तेल में हमने प्याज फ्राई करना, अगर तेल ज़्यादा हो तो आप तेल निकाल सकते हो, लेकिन इतना तेल हमें चाहिए। तो इसमें हमने छोटा छोटा बारीक काटा हुआ जो प्याज था उसको डाल देंगे और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ब्राउन कलर आने तक, गैस को थोड़ा स्लो कर दें। प्याज हो चुका है, अब इसमें डाल देना हमने जीरा, धनिया और मिर्ची, हल्दी पाउडर थोड़ा सा और नमक थोड़ा सा, थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने पनीर में भी डाला है मैरिनेट के समय। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हमने टमाटो प्यूरी डाल देनी है। ये पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और टमाटर डालने के बाद भी इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये तेल ना खोले तब तक इसको भूनेंगे। टमाटर हो चुके हैं, तेल छोड़ दिया मसाले ने, अब इसमें दो हरी मिर्च काट के डाल दें और थोड़ा सा दही डाल दें। दही इसमें जब डालते हैं तो हमने बताया बिल्कुल दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब दही को भी थोड़ा सा भून लेंगे, ये तेल छोड़ दें, एक या दो मिनट तेज आंच पर भून लें इस तरह से। गैस को हमने तेज ही रखा है। तेल छोड़ने के बाद इसमें हमने पनीर डाल देना है जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हमने आधी कटोरी पानी डाल देना है और इसको ढक के 2
या 3 मिनट तेज आंच पर ही पकाना है हमें। हमारे पनीर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने ये प्याज डाल देना जो फ्राई करा हुआ। अगर आपने प्याज फ्राई ना किया हो, कच्चा हो, तो इसको उसी टाइम डाल दें जब हमने पानी और पनीर डाला था। अगर फ्राई किया हुआ तो बाद में डालें, क्योंकि ये अगर पहले डाल देते तो पकेगा, ये पका हुआ ही है, इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ी देर हमने 1 मिनट तक अब ढक के पकाना है। उसके बाद हमने गैस को बंद कर देना है। तो लीजिए, हमारा पनीर दो प्याजा रेस्टोरेंट स्टाइल खाने के लिए तैयार है। वही स्वाद आएगा आपको जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है।